न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बांग्लादेश में तख्ता पलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रस्त है। निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों में हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया गया है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहां के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहां के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई व उनकी संपत्ति को आग लगाई गई, मंदिर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ के एस्कॉन जो वहाँ की एक हिंदू संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य समय में भी वहाँ के 1,00,000-1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाया, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने को लेकर पैदा हो रही भ्रम की स्थिति, गली गली में नपाई किए जाने को लेकर और नगर विधायक मदन कौशिक द्वारा कोऑर्डिनेट ना बनाने की बात कहे जाने को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी ने कनखल चौक बाजार में उत्तराखंड सरकार और भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की है कि कॉरिडोर की जो DPR तैयार की जा रही है उसको सार्वजनिक किया जाए, कॉरिडोर को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसको खत्म किया जाए। ये जो कॉरिडोर को लेकर एक भ्रम की स्थिति हो रही है, सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों गलियों की नपाई हो रही है, छोटी छोटी गलियों की, चौक बाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयां चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक की ये कवायद क्यों चल रही थी और ये रातों रात अभी तक भी गलियों की नपाइयाँ क्यों हो रही हैं। नपाइयाँ कृष्णा नगर की, कनखल की, मोती बाजार की, हरिद्वार की और अपना दक्ष रोड की, इन जगह की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं जी कॉरिडोर बनेगा जो है गंगा पार, जो कि जो है यूपी की ज़मीन है। सरकार द्वारा जो कॉरिडोर योजना को लेकर के अभी तक व्यापारियों को और हरिद्वार निवासियों को परेशान किया जा रहा है और अभी तक सच नहीं बताया जा रहा, उसको लेकर के सरकार की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हमारे द्वारा किया गया है और हमारी सरकार से यही मांग रही है कि अगर आप कोई योजना ला रहे हैं तो उसकी DPR ओपन करें। अभी तक आप व्यापारियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि कहीं बताते हैं 60 फीट, कहीं पे 72 फीट। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश में इंदिरा नगर स्थित सैनिक विश्राम गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विश्राम गृह में कर्मचारियों की कमी मिलने पर मंत्री नाराज नजर आए। आदेश के अनुसार विश्राम गृह में व्यवस्था नहीं मिलने पर कैबिनेट मंत्री का पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने मौके से ही सैनिक कल्याण विभाग के डायरेक्टर को फोन पर फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द विश्राम गृह में व्यवस्थाएं दुरुस्त और कर्मचारी की पूरी कमी पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए यहाँ नहीं, अभी पूरे प्रदेश में बल खाली है, शेरी नॉमिनेशन होंगे तो यहाँ भी अध्यक्ष का पद मिल जाएगा। यहाँ पर बीते वर्ष अब कई बार आरोप लगे हैं कि मंडी समिति में जो दुकानें आवंटित हुए, लाइसेंस आवंटित हुए, नियमानुसार नहीं हुए, तो उसमें भी जांच करेंगे कुछ ऐसा नहीं। अगर कोई आपके मामले के अध्यक्ष जी मामला जो संज्ञान में आए, मुझे आप उसकी लिखा सी दीजिएगा, निश्चित उसकी जाँच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन टीम ने अस्पताल पर छापेमार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की टीम ने अस्पताल के कागजात चेक किए। छापेमार कार्रवाई के दौरान अस्पताल में मौजूदा व्यवस्थाओं को भी देखा गया। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से अस्पताल की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर CMS और SDM ने अस्पताल पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। गंजडवारा क्षेत्र के सहावा रोड पर स्थित लाइफलाइन अस्पताल का ही पूरा मामला। बरेली अधिकारी हो तो ऐसा तेज तरार ईमानदार SSP अनुराग आर्य है, जहां एक ओर अपनी डिपार्टमेंट और शहर की गंदगी साफ करने में लगे हैं तो वही दूसरी ओर 8वीं बटालियन PAC बरेली के हेड कांस्टेबल सोब्रिन पाल को एनुअल फायरिंग के बाद गाड़ी में बिठाते समय एक्सीडेंटल फायरिंग होने से पेट में 2 गोली लगी। जिला अस्पताल से घायल होमगार्ड को मैक्स अस्पताल बरेली रेफर किया गया, जहां स्वयं SSP अनुराग आर्य पहुंच गए। बरेली के प्राइवेट मैक्स अस्पताल और जाना घायल होमगार्ड सोब्रिन पाल का हाल काफी देर रहे अस्पताल परिसर में मौजूद। 8वीं बटालियन PSC से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हेड कांस्टेबल सोब्रन सिंह, जो कि एनुअल फायरिंग के लिए गए हुए थे, इनके साथ में एक और हेड कांस्टेबल थे राजकुमार, जब ये फायरिंग के बाद वापस गाड़ी में बैठ रहे थे उस दौरान एक्सीडेंटल फायरिंग से इनको 2 गोलियां लगी हैं।
पेट में दोनों गोलियां लगी हैं। अभी उपचार के लिए इनको मैक्स हॉस्पिटल में लाया गया है, पहले जिला अस्पताल भेजा गया था, वहाँ से यहाँ रेफर किया गया है। मेरे द्वारा इनसे बातचीत की गई है, इन्होंने कंफर्म किया है कि एनुअल फायरिंग के लिए गए हुए थे और वहाँ से वापस जब निकल रहे थे उस टाइम एक्सीडेंटल फायरिंग के दौरान ये घटना घटित हुई है। अभी वो बातचीत कर रहे हैं और बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से बात की गई है, अच्छे से अच्छा उपचार करा के और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक टीम हमारी जाएगी और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे वो आप सबको बताएंगे। सोनभद्र जिले के जुगेल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खेवत्ता टोला मलपुर में एक विवाहिता का शव उसके घर में ही लहूलुहान हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। विवाहिता की हत्या निर्मम की गई है। विवाहिता का पति मौके से फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के फतेहपुर में एक नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते समय गांव का एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। परिजनों की जानकारी हुई तो पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने से नाराज परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आज दिनांक 8 अगस्त 2024 थाना जुगेलपुर लगभग 9:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महलपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम गणेश पटेल है उसने अपनी पत्नी सरिता पटेल की सिर पर लोहे के बट्टे से मार कर हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट तथा थाना तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना संरक्षण किया जा चुका है। काकोरी जन एक्शन शताब्दी को लेकर एक्टिव मोड पर जिला प्रशासन DMSP ने शहीद पार्क का किया निरीक्षण। शहीद पार्क में पौधारोपण से शुरू होगी शताब्दी समारोह। जिले में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा काकोरी एक्शन शताब्दी समारोह। मेडिकल कॉलेज में होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रदेश सरकार के मंत्री। पूर्व में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था काकोरी एक्शन। उरई के मुख्य बाजार से शहीद पार्क का DMSP ने किया निरीक्षण। जलौन के सिरसा कलार थाना के अंतर्गत गिरौरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 महीने से लटक रहा ताला, जिससे गरीब के बेसहारा बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गोट गांव में बने आंगनबाड़ी केंद्र पर लटक रहा ताला, जिसमें बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार की नहीं की जाती केंद्र की देखरेख। आंगनबाड़ी केंद्र बन गया जुआ खेलने का अड्डा। ग्रामीणों ने बताया कि गोर गांव में बने आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 महीने से ताला लटका हुआ है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में लगातार कई विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस बार कलेक्ट्रेट कचहरी के अधिवक्ताओं ने आबकारी विभाग की साठगांठ से गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सरकारी लाइसेंस देने का आरोप लगाया। बता दें कि प्रेसवार्ता के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने आबकारी विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा किसी अपराधी को सरकारी टेंडर या ठेका या अन्य कोई कार्य नहीं करने के लिए सख्त कदम उठाए गए। इसी नीति के तहत आबकारी विभाग ने भी अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान का आवंटन होता है, लेकिन जिन लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ उन्हीं लोगों को आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस दिया गया। प्रेस वार्ता आबकारी विभाग के विरुद्ध है। आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। आबकारी विभाग द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लॉटरी के द्वारा शराब की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिनकी शिकायत होने पर भी और जिनके कागजात पूर्ण ना होने पर भी सरकार की मंशा के विरुद्ध जाकर के उनको संरक्षण देते हुए दुकानों का आवंटन किया जा रहा है और दुकानें चलाने में संचालन में सहयोग किया जा रहा है। चिरगांव विकुखंड की नसिया पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरा में ग्रामीणों ने बताया कि जो बरसात होती है तो उनके घरों में पानी भर जाता है, लेकिन बिन बरसात के उन लोगों के घर के आंगन का पानी बाहर निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो पानी की वजह से पड़ोसियों में आपसी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ग्राम प्रधान द्वारा RCC डलवा तो दी गई है लेकिन पानी के निकलने की जगह नहीं है, जिससे रोज इस्तेमाल होने वाला पानी भी इसी RCC पर भर जाता है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के माने 2 महिलाओं से 16 साल के युवक का किया अपहरण। परिजनों से 20 लाख की मांगी फिरौती। अलीगंज के भनुआ घाट पर स्थित पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवाने गया था युवक। पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों ने आगे रखा और मांगी लिफ्ट, फिर तमंचा और चाकू दिखाकर अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद गैंग के पुरुष सदस्य को सौंपा। अपहरण करता युवक जैथरा के एक मकान में बंधक बनाकर युवक को रखा गया, फिर वहां से परिवार को 20 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। अपहरणकर्ता और अपहर्ता बहुत पहले से एक दूसरे से परिचित थे। अपहरण की सूचना पर पुलिस ने 12 घंटे में 2 महिलाओं सहित 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला हमारे थाना जफरतपुर का मामला है। जोएब नाम का 16 वर्ष का लड़का है, जो 6 तारीख को ही 12 बजे के बाद पेट्रोल भरवाने के लिए जो है निकला है और वहाँ भनाओं में पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो है तेल डलवाया और उसके बाद जब वहाँ पर चलता है तो उसका जो है 2 लड़कियों और उसमें 3 जो है वो सब जो है उसका वहाँ पे अपहरण कर लेते हैं और जैसा में जो है ला करके रखे रहते हैं। इसी की मोबाइल फ़ोन पे जो है इसके घर पे जो है सूचना देते हैं 20 लाख फिरौती की
मांग की जा रही थी कि हम लोग जो है अलीगढ़ में हैं, अगर 20 लाख की रकम नहीं दोगे हम इनको दिल्ली पहुंचा देंगे। तालाब में नहाने गई 3 नाबालिग बच्चियों में से 2 की डूबकर हुई मौत। एक साथ घास काटने गई थी तीनों नाबालिग बच्चियां, दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से हुआ हादसा। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोग और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद एक बच्ची को निकाला। एक ही हालत नाजुक है, 2 बच्चियां जिनका शव बरामद किया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। एक और थाना क्षेत्र के अछनपुरवा गांव की घटना। क्या नाम है आपका? अमेरिका प्रसाद। अमेरिका दी, आपकी दोनों लड़कियां इसमें तालाब में डूब गई। अच्छा, एक दूसरी लड़की भी बता रहे हो किसकी है? वो दूसरी लड़की है। अपने बेटे का नाम? एक आपके है, एक उनके है। आपके लड़की का क्या नाम है? सुमन। कितने साल की है वो? 13 साल। अच्छा, और इनकी लड़की क्या नाम है? अभी बता। राधा। राधा, राधा, राधा नाम है वो। उसकी उम्र कितनी है? अभी बता सकते हैं कितना? आधार लिया है। दोनों नाबालिग है? नाबालिग है। कई लड़के हैं? दो। और यहाँ कहाँ कराए रहे, मतलब कुछ खेते होते काम कराई रहा? कुछ नहीं, काम करते रोज स्कूल जा रहे, आज स्कूल नहीं गई रहा। कितने बजे हुआ घटना? वही वही 10 बजे। 10 बजे। कौन कितने कितने साल की हैं बच्चियाँ? ये 10 साल, 11 साल और 9 साल। अच्छा, पुलिस है मौके पर? एनडीआरएफ? हाँ, एनडीआरएफ की टीम भी। अच्छा, क्या करने ले गई थी, कुछ जानकारी है? ये लोग जो है क्या नाम, बता ही नहीं पा रहा है कि कहाँ आई थी, क्या थे, नहाने वाने आई थी, चप्पल पर उतार करके गई थी। चप्पल मिला है नदी किनारे? चप्पल मिली है। खाली ट्रक में पीछे से घुसी डीसीएम, हादसे में डीसीएम चालक सहित 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को, घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर हुआ दर्दनाक हादसा, डीसीएम चालक की नींद बनी हादसे का कारण। एनएचआई की 2 एम्बुलेंसेस 4 अज्ञात मृत लोगों को लेके आई है और ये घटना शायद वो बता रहे हैं कि गुरसरायगंज थाना क्षेत्र के कांस्टेबल के साथ में है, तो चारों यहाँ मृत अवस्था में है। सर, कुछ पता है किससे घटना हुई है, क्या है? तो एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटना से चारों की डेथ हुई है और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगी, तो हमने सारी की सारी बॉडी पोस्टमार्टम में रखी है। चित्रकूट धाम मुख्य मंडल मुख्यालय बांदा स्थित वीरांगन लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध खुसखुसी का मामला लगातार सामने आ रहा है। यहां के MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र का उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ। मेरठ निवासी मृतक छात्र रोहन मेडिकल कॉलेज में कुछ ही दूर ही किराए का कमरा लेकर रह रहा था, जहाँ उसके साथ लिविन में एक लड़की भी रहती थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जाँच शुरू कर दी। मृतक छात्र के परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। पेपर की वजह डिप्रेशन है और उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका बीपी लो हो गया। हम यहाँ पहुँचे, हमने एक दोस्त से फ़ोन करवाया तो ये जब तक जो है इमरजेंसी लेकर पहुँचे ना, तब तक वो डेथ था। अच्छा, ये सब ड्रामा कर रही थी ये लड़की, एक आकांक्षा और एक धर्मबंध प्रताप सिंह और 2-3 और हैं जिन्होंने बढ़िया करके पिटाई भी करी उसकी। उसके गले पर तार से रस्सी से गला घोटने के निशान है, पैरों के अंगूठे तोड़के हैं हथौड़े से ईंट से और यहाँ भी चक्कू टाइप का लगा हुआ है, 2-3 जगह और। क्या लगता है, मर्डर लगता है 100%। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में 8 फरवरी 2014 को खुशबू और आमिर की शादी हुई। 10 साल बाद खुशबू ने अपने ससुराल वालों पर उतारना और 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया। इसके जवाब में ससुराल वालों ने कहा कि खुशबू का आरोप फर्जी है, उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। उन्होंने लगाए गए आरोपों की जाँच के लिए महानिरीक्षक बरेली से मदद की गुहार लगाई और सभी साक्ष्यों के साथ एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। पुलिस महानिरीक्षक ने मामले की निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। पूरा मामला ये है कि हमारी भाभी जो है खुशबू, उन्होंने वहाँ पर फर्जी मुकदमा करा दिया गया और उसमें जो है हमारे पर 107 की जो 109 वाली धारा जो है 307 वाली वो फर्जी द्वारा लगवा दी गई है। उसके बाद वो जो है, हम तो ये चाहते हैं आईजी साहब से जो है हमारा मतलब जो भी जांच हो सही सलामत जांच हो, जो हमारा दोषी है तो सबको सजा मिले उसको। और ये कहते हैं इसमें जो है हमारे पास एविडेंस है सब, हमने आज एविडेंस सब पेश करे है। आईजी साहब को हमारे घर पर सीसीटीवी कैमरे सब लगे हुए और कैमरे की सब फुटेज है, सब हमने देखा है, सब फुटेज दी है और अपनी लोकेशन भी दी है। मैंने जो घटना समय बता रही है वो 8:30-9 बजे का, मैं तो वहाँ था ही नहीं। जो मुझसे कह रही है कि इन्होंने मारा है, कि हमारे देवर ने कान पर छोड़ मारी है, तो मैं तो वहाँ था ही नहीं। मेरे पास की पूरी लोकेशन है, मैं जो 6:30 बजे घर से निकला हूँ उसके बाद मैं घर में आया ही नहीं हूँ। मतलब 10 बजे 10:30 बजे मैं अपने फाटक में बैठ रहा हूँ, 12-1 बजे आया हूँ घर पे। ललितपुर में अज्ञात कार चोर पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के रिहायशी इलाके से ले उड़े। स्विफ्ट डिजायर कार मौके पर पहुंची, पुलिस चोरों की खोजबीन में जुटी। कार मालिक ने बताया कि उसकी कार का जो
चांदमारी सिविल लाइन स्थित रेलवे कॉलोनी के पास बने उसके घर के सामने ही खड़ी थी, जिसे रात 1 से 2 बजे के बीच पल्सर सवार 3 अज्ञात चोर चोरी करके ले उड़े। जैसे ही पुलिस को लगी खबर, मौके पर पुलिस पहुंची और पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत की बताई जा रही है। रात में 1:30 बजे घर के बाहर से 3 लोग आए पल्सर गाड़ी से, वो गाड़ी उठा के ले गए डिजायर। कौन सी गाड़ी थी? डिजायर। कितना मॉडल था गाड़ी? 2021। कौन लोग थे, कोई पहचान में आया? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी है लेकिन पहचान में नहीं आई। CCTV दे दी है लेकिन उसका क्लियर चेहरा नहीं आ रहा। कहाँ की घटना है ये? सिविल लाइन चांदवाली। चांदपुर में एक नगाबपोश महिला आई और आकर कहा कि मैं आपकी बेटी की स्कूल टीचर की बहन हूँ, मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाती हूँ और गरीब बच्चियों को सरकारी कोर्स भी दिलाती हूँ। महिला ने कहा कि आप मेरी जानकार है, आप बच्ची को मेरे साथ भेज दें। महिला ने शानू की पत्नी को सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों के नाम भी बताए और एक मोबाइल नंबर भी दिया। महिला पर विश्वास करके शानू की पत्नी ने अपनी 10 साल की बच्ची को महिला के साथ भेज दिया। बच्ची के जाने के 10 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि अनजान महिला के साथ बच्ची को गलत भेज दिया। उसने अड़ोस पड़ोस को ये बात बताई। आनन फानन में शोर मचाने पर बच्ची की तलाश शुरू हुई, पुलिस को भी सूचना दी गई। शहर इंचार्ज अजीत तोमर घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। महिला द्वारा बच्ची को नगर के अनेक गली मोहल्ले घुमाते हुए बच्ची को मोहल्ला शाहचंद में छोड़कर भाग गई और बच्ची के कानों से सोने की बालियां निकाल कर ले गई। मामले में पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जालौर में स्कूली बच्चों को ले जा रही तेज रफ्तार वैन खाई में पलटी, वैन पलटने से 2 दर्जन से बच्चे ज्यादा घायल हुए हैं। घायल हुए बच्चों में 3 बच्चों की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचे कदौरा पुलिस ने बच्चों को इलाज के लिए उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जालौन के करौदा में मानक विहीन संचालित हो रहे डेफ्लोडेड किड्स एकेडमी के बच्चे थे वैन में सवार। जालौन में परिवहन विभाग की लापरवाही से बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली वाहन। यहाँ पे बड़े गांव चौक रोड में बच्चियों का वर्तन, वहाँ पे वैन पलट गई थी। हम वहीं पे टहलने गए थे तो हमारे देखते देखते 3-4 फटाखे खाए, वैन पलटी है। गए वहाँ पे 3 लड़के थे, हम जल्दी जल्दी बच्चों को निकाला है, घायल हो गए थे बच्चे 4-5। और वो ड्राइवर हमसे कह रहा है कि वैन को फोन कर रहे हैं, इस वजह से भग गए वो जल्दी से और हम बच्चों को निकालने लगे थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो आपने कहाँ लेके आए थे उनको? हॉस्पिटल लेके आए थे, एक बच्चे को ज़्यादा चोट आई तो बैग से लेके आए थे। झांसी के पुष्प थाना क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। पति की मौत के बाद महिला घर में अकेली रहती थी, गुरुवार को पूरा दिन नजर नहीं आई। तब देर रात भतीजा दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में महिला का शव मिला। महिला को किस वजह से मारा गया इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। थाना पूछ क्षेत्र में बावई गाँव में पुलिस को सूचना मिली 112 के माध्यम से कि धनती देवी नामक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, वो घर में अकेली रहती थी। उसका शव उसके कमरे में पड़ा हुआ है जिसपे धारदार हथियार के निशान हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा साथ ही साथ जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। जनपद में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही ने सरकार की योजनाओं को प्रभावित किया है। DBT की धीमी प्रतिक्रिया के चलते ब्लॉक कबरई से 72 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका गया है और ब्लॉक चरखारी से 11 प्रधानाध्यापकों को 100% प्रगति के निर्देश दिए गए हैं। DBT के तहत छात्रों के अभिभावकों को 1,200 रुपये की राशि भेजी जाती है, लेकिन कई प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक आधार प्रमाणीकरण में रुचि नहीं रख रहे, जिससे जिले की रैंकिंग 60वीं हो गई है। इस वजह से 11,831 बच्चे DBT के लाभ से वंचित है। BSE राहुल मिश्रा ने महानिदेशक के सख्त निर्देशों के तहत जाँच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, DBT सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ सीधे बच्चों को सीधे तौर पर पहुंचाया जाता है। प्रति बच्चे 1,200 रुपये उनको स्कूल के ड्रेस के, जूते मोजे के, बैग के दिए जाते हैं। तो इस योजना में लापरवाही तो किसी तरह से क्षम्य होनी भी नहीं चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमारे 100% बच्चों को DBT का लाभ मिले, कोई बच्चा इससे बाकी ना रहे। बच्चे हमारे जो भी हैं ड्रेस में आए, प्रॉपर ड्रेस में, जूते मोजे में, सबकी इच्छा है, तो इस पर किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं है और ये बड़े हर्ष का विषय है। हम लोग टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में है जिनका DBT का, हमारा अभी तक लगभग शायद 12,000 का DBT का अभी और बचा है, बाकी हम लोगों ने लगभग 80 से 85% DBT कंप्लीट कर ली है और शीघ्र ही हमें लगता है 2 से 3 दिन में हम लोग DBT का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।